50 साल का एक सक्सेसफुल आदमी जिसने कभी शादी नहीं की, लेकिन जब उसकी लाइफ में 14 साल की लॉरिटा आई तो वो उसका दीवाना हो गया और इसी दीवानेपन में उसने लॉरिटा की माँ से शादी तक कर ली ताकि वो लॉरिटा के करीब आ पाए। अब क्या उसे लॉरिटा मिल पाएगी? गाइज, आपकी तरह हमें भी कहानियाँ बहुत पसंद है, इसलिए हम कहानी नहीं बल्कि एक नया एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। सो ऐसे ही हौसला देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट पक्का से करके जाएं। तो चलो कहानी सुनाती हूँ। कहानी शुरू हुई 1950 अमेरिका हम्बर्ट से, जो काफी जख्मी हालत में गाड़ी चला रहा था। उसके चेहरे पर खून लगा था। वो किसी के ख्यालों की आगोश में खोया हमें कहता है, लॉरिटा मेरी जिंदगी। यहाँ से हम हम्बर्ट के बचपन को देखते हैं। जब वो 14 साल का था तो उसे पहली बार एनाबेल नाम की लड़की से प्यार हुआ था। ये वक्त हम्बर्ट के लिए बहुत अनमोल था, लेकिन उनका प्यार ज्यादा दूर तक टिक नहीं पाया क्योंकि एक बीमारी के चलते एनाबेल की मौत हो गई थी, जिससे हम्बर्ट बुरी तरह टूट चुका था। वो दिन था और आज का दिन। आज तक हम्बर्ट को कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। इस हादसे को कई साल गुजर चुके थे। अब 40 साल के अधेड़ उम्र हम्बर्ट को एक PhD कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब मिलती है, जो कि उसे अगले सेमेस्टर से ज्वाइन करनी थी, पर वो इसी समर की छुट्टियों में अमेरिका के लिए निकल पड़ता है क्योंकि वो अब एक फ्रेंच कल्चर पर बुक लिख रहा था जिसे उसने इन्हीं छुट्टियों में खत्म करना था। और यहाँ पर वो मिसेस हिज के घर रुकने वाला था, लेकिन हम्बर्ट जब घर की हालत देखता है तो वो अपना इरादा बदल लेता है और ऊपर से मिसेस हिज कुछ ज्यादा ही नजदीकियाँ बढ़ा रही थी, इसलिए हम्बर्ट वहाँ से जाने लगता है। पर तभी लॉरिटा को देखकर उसके कदम रुक जाते हैं। उसे एनाबेल की याद आती है। लॉरिटा भी एनाबेल की तरह ही खूबसूरत थी। हम्बर्ट ने अपनी पूरी उम्र एनाबेल जैसी लड़की ढूंढने में निकाल दी थी और आज उसके सामने ऐसी लड़की थी जिसने उसे एनाबेल की याद दिला दी। तो हम्बर्ट उसी गंदे घर में रहना शुरू कर देता है जहाँ से वो छुप छुप कर लॉलिता के पागलपन को निहारा करता था। वैसे तो लॉलिता सिर्फ 14 साल की थी, पर वो अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही समझदार थी। वो पहली नजर में ही समझ गई थी कि हम्बर्ट उसे पसंद करता है, तो वो जानबूझकर उसे टच करती है, कभी उसकी गोद में बैठती है तो कभी उससे फ्लर्ट करती है। पर वही मिसेस हिज अब हम्बर्ट के साथ शादी करने के सपने सजा रही थी। इन सबसे बेखबर हम्बर्ट बस लॉलिता के लिए पागल होता जा रहा था। अगली सुबह मिसेस हिज हम्बर्ट को लेकर पिकनिक पर जाती है, जहां हम्बर्ट को पता चलता है कि मिसेस हिज लॉरिटा को समर कैंप भेजने वाली है। हालांकि लॉरिटा समर कैंप जाना नहीं चाहती थी, पर उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती, जिस पे वो अपना सारा गुस्सा हम्बर्ट पर निकालती है। पर जिस दिन लॉरिटा को जाना था उस दिन हम्बर्ट उठने में लेट हो गया। वो जल्दी से खिड़की में जाता है जहाँ से हम्बर्ट लॉरिटा को देखता है और लॉरिटा उसे। लॉरिटा गाड़ी से निकलकर भागते हुए हम्बर्ट के ऊपर कूद जाती है और उसे किस करती है। मानो हम्बर्ट की तो जैसे दुनिया रुक गई थी। वो इस पल को जी भर के जीना चाहता था, पर अगले ही पल उसे एक बड़ा झटका मिलता है क्योंकि उसे मिसेस हिज का एक लेटर मिलता है जिसमें वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर रही थी और अगर हम्बर्ट मना करता तो वो लॉरिटा से दूर हो जाता। इसलिए हम्बर्ट मान जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। हम्बर्ट तो ये सब लॉरिटा के लिए कर रहा था और मिसेस हिज के टॉर्चर से बचने के लिए वो उसे नींद की गोलियां दिया करता था। अब लॉरिटा और हम्बर्ट का प्यार एक सीक्रेट था, पर ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि एक दिन मौका पाकर मिसेस हिज हम्बर्ट की डायरी पढ़ लेती है जिसमें हम्बर्ट का लॉरिटा के प्रति सारी पोल खुल जाती है। इतना ही नहीं, उसने मिसेस हिज के बारे में भी काफी बुरा भला लिखा हुआ था कि वो एक नंबर की चिपकू औरत है। तो मिसेस हिज उस पर टूट पड़ती है और उससे सारे रिश्ते खत्म कर घर से बाहर चली जाती है, जहाँ एक कार एक्सीडेंट में एट द स्पॉट उसकी मौत हो गई थी, जिसमें हम्बर्ट दुखी से ज्यादा खुश था क्योंकि उसके और लॉरिटा के बीच आने वाला कोई नहीं है। वो लॉरिटा को लेने समर कैंप जाता है, जहाँ लॉरिटा जब अपनी माँ का जिक्र करती है तो हम्बर्ट उसे झूठ बोलता है कि वो हॉस्पिटल में है। पर हम्बर्ट लॉरिटा को इतने वक्त बाद देखकर बहुत खुश था। वो लॉरिटा को कहता है उसने
उसे बहुत मिस किया। जिस पे लॉरिटा कहती है, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं, तुमने मुझे अभी तक किस नहीं किया। लॉरिटा के मुंह से ये सुनकर दोनों ही एक पैशनेट किस करते हैं। आज रात को दोनों एक होटल में रुकने वाले थे, जहां लॉरिटा एक क्लेयर नाम के आदमी को देखकर आकर्षित हो जाती है। पर वही हम्बर्ड को लग रहा था कि ये कोई डिटेक्टिव है जो उन पर नजर रखे हुए है। पर होटल के बंद कमरे में इनका रिश्ता किस से कई गुना आगे बढ़ चुका था। अगले दिन गैस स्टेशन पर लॉरिटा हॉस्पिटल का नाम और नंबर पूछती है, क्योंकि उसे अपनी माँ से बात करनी थी। जिसमें हम्बर्ड उसे बता देता है कि उसकी माँ की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ये मोमेंट लॉलिता के लिए बहुत शॉकिंग था, वो रात भर बस रोते रही। जिसपे हम्बर्ड उसे संभाल लेता है, पर अब इनके पास घर लौटने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए दोनों अमेरिका घूमने निकल पड़ते हैं, जहाँ ये दोनों कई होटल्स में रुकते हैं और एक कपल की तरह मस्ती करते हैं। और फाइनली छुट्टियाँ खत्म हो गई थी तो हम्बर्ड लॉलिता को लेकर PhD कॉलेज में जाता है, जहाँ खुद वो जॉब संभालता है और ललिता को स्कूल में भर्ती करवा देता है। पर वहाँ भी ये दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हालांकि दुनिया के सामने ये एक बाप बेटी थे, पर बंद कमरे में एक दिन ऐसे ही हम्बर्ड ललिता का प्ले देखने उसके स्कूल जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये पूरा प्ले क्लेयर ने लिखा है। क्लेयर वही आदमी जिसे हम्बर्ड एक डिटेक्टिव समझ रहा था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, अब ललिता का प्यार हम्बर्ड को लेकर कम होने लगा था, जिससे हम्बर्ड डरने लगा था कि कहीं ललिता उससे दूर ना हो जाए। एक दिन ऐसे ही हम्बर्ड ललिता को किसी से बात करते हुए देखता है। जैसे ही ललिता हम्बर्ड को देखती है, वो फोन काट देती है और बहुत अजीब बिहेव करती है, मानो वो बहुत कुछ छुपा रही हो। इससे पहले उनका रिश्ता और खराब होता, हम्बर्ड ललिता को एक और टूर पर ले जाता है। पर यहाँ कंडीशन ये थी कि इस बार ललिता डिसाइड कर रही थी कि उन्हें कहाँ कहाँ जाना है। पर रास्ते में हम्बर्ड को लगता है जैसे उनका कोई पीछा कर रहा है, और जब वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं तो हम्बर्ड नोटिस करता है कि ललिता किसी से बात कर रही है। हम्बर्ड भागते हुए ललिता के पास जाता है, पर तब तक वो आदमी जा चुका था, तो वो ललिता से पूछता है, जिस पे ललिता कहती है वो बस रास्ता भटक गया था। आगे चलकर दोनों एक होटल में रुकते हैं, जहां हम्बर्ड जब कुछ खाने को लेने जाता है तो उसे वापसी में ललिता एकदम बिखरी सी मिलती है, जैसे उसके एब्सेंस में वहां कोई आया हो। जिससे वो बहुत डर जाता है कि कोई ललिता को उससे छीन ना ले। पर उसी रात अचानक से ललिता की तबीयत काफी खराब हो जाती है, जिसपे हम्बर्ड उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर बताता है कि उसे वायरल फीवर है, जिसके चलते वो ललिता को एडमिट कर ले। तो हम्बर्ड होटल चला जाता है, पर अगले सुबह उसे एक न्यूज मिलता है कि ललिता तो अपने अंकल के साथ चली गई। ये सुनते ही हम्बर्ड हड़बड़ाते हुए हॉस्पिटल में जाता है और सबके साथ लड़ने लगता है। पर जब वो वहाँ पुलिस को देखता है तो सबसे माफी मांगता है। दोस्तों, असल में ललिता को कोई बीमारी नहीं थी, ये बस उसके और क्लियर के वहाँ से भागने का प्लान था। पर हम्बर्ड बेचारा हर जगह ललिता को ढूंढ रहा था, वो हर उस होटल में चेक करता है जहाँ वो लोग रुके थे। वो ललिता को बहुत ढूंढता है और सोचता है, क्या ललिता को मुझसे ज्यादा कोई प्यार कर सकता है। और एक बार फिर वो पूरी तरह टूट चुका था। इसी के साथ 3 साल गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक से उसे ललिता का एक लेटर मिलता है, जिसमें वो बताती है कि उसने शादी कर ली है और वो प्रेग्नेंट है, पर उसके घर की हालत कुछ ठीक नहीं, उसे कुछ पैसे चाहिए। तो हम्बर्ड तुरंत लेटर पर दिए हुए एड्रेस पर निकल जाता है, जहां वो कई सालों बाद ललिता को देखता है। वो ललिता से जानना चाहता था कि आखिर उसका पति कौन है जो ललिता को उससे दूर ले गया। जिस पे ललिता बता देती है वो क्लेयर के साथ भागी थी, उसे पहली ही नजर में क्लेयर से प्यार हो गया था। पर जब वो क्लेयर के घर गई तो वो एक पॉर्न इंडस्ट्री चलाता था, जिसके लिए उसे टीनेज लड़कियां चाहिए थी। पर ललिता अब क्लेयर के अलावा किसी के साथ वो नहीं करना चाहती थी, इसलिए क्लेयर ने उसे घर से निकाल दिया। हम्बर्ड को अब ललिता पर बहुत तरस आ रहा था, वो ललिता को अपने साथ चलने को कहता है। जिस पे ललिता कहती है, तो हमारे साथ चलने से अच्छा तो मैं क्लेयर के साथ रुक जाती। ये सुनकर हम्बर्ड एकदम टूट जाता है और ललिता को जी भर कर देखता है और निकल पड़ता है क्लेयर को मारने के लिए, जिसने उसकी जान से ज्यादा प्यारी लड़की को उससे छीन लिया और फिर सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया। हम्बर्ड उसके खून का प्यासा हो रखा था। वो जब क्लेयर के पास जाता है तो क्लेयर को तो ललिता के बारे में याद भी नहीं था, वो ललिता जैसी बहुत सारी लड़कियों को अपने जाल में फंसा चुका था। पर यहाँ हम्बर्ड को बहुत
गुस्सा आता है। वो गन पॉइंट पर उसे लॉलिता के बारे में पूछता है। जिस पे जोर डालने पर उसे याद आता है कि लॉलिता अपनी मर्जी से आई थी और अपनी मर्जी से ही चली गई। पर क्लेयर समझ गया था कि अब हैम्बर्ड उसे छोड़ने वाला नहीं है। वो हैम्बर्ड को अपने घर रुकने को कहता है, जहाँ हर रात उसे नई नई टीनेज लड़कियाँ मिलेंगी। जिस पे हैम्बर्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी गन की सारी बुलेट क्लेयर की बॉडी में ठोक देता है। आगे हम वही सीन देखते हैं जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, पर अब हैम्बर्ड के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, पर वो भाग नहीं रहा। जिस भी लड़की से उसने प्यार किया वो उससे दूर हो गई। अब उसकी जिंदगी का या उसके जीने का कोई मतलब नहीं बचा था, इसलिए पुलिस उसको पकड़ कर ले जाती है, जहाँ जेल में एक साल बाद एक बीमारी के चलते हैम्बर्ड की डेथ हो जाती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित थी। वैसे आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।